बड़वाह नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गणगौर पर्व का उल्लास चरम पर है। शुक्रवार को अल सुबह माता की बाड़ी खुलने के साथ पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। सराफा बाजार स्थित दादू पंडित पंडित रमेश जोशी एवं यशवंत शर्मा के घर माता की बाड़ी जैसे ही खोली गई, वैसे ही महिलाएं अपने पति के साथ माता के द्वारों की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामनाएं करने के लिए उमड़ पड़ी। करीब 11 बजे से श्रद्धालु रथ सजाकर ढोल ताशों के साथ बाड़ी में पहुंचे। यहां माता के द्वारों को रथ में विराजित कर महिलाएं गणगौर माता के रथ को अपने अपने घर ले आई। दर्शन पूजन का सिलसिला अगले 3 दिनों तक चलता रहेगा। रविवार को गणगौर घाट पर द्वारों के विसर्जन के साथ ही यह पर्व समाप्त होगा। दादू पंडित ने बताया कि शुक्रवार सुबह 4 बजे से ही दर्शन हेतु बाड़ियों के द्वार खोले गए। इस दौरान महिला एवं पुरुषों ने जोड़े से उपस्थित होकर माता का पूजन किया। घरों में दिन भर महिलाओं द्वारा रणुबाई एवं धनियार राजा का जोड़े से सामूहिक पूजन कर झालारिया दिया गया। शनिवार को मन्नतधारी जोड़े माता के रथ बोड़ाएंगे। इस दिन ये अपने घर में माता का पूजन कर पानी पिलाएंगे। रविवार को धूमधाम से गणगौर घाट पर ज्वारों के विसर्जन के साथ माता को विदाई दी जाएगी। माता जी को स्नान कराया, उनकी साड़ी पहनाई, उनको अपनी जगह सीटा करके जहाँ रखा सके रखते आते वहाँ पर स्नान रखा उनको, और उसके बाद पूजन करके उसको जगमाई करी। 4:15 बजे हमने पट खोला, फिर भी लोग वाक 3 बजे से आकर के फाटक ठोकने लग गए। फिर सब जो पूजन चालू कर रहा है वो पूजन प्रारंभ हो गए। तीनों वाड़ियों में इसी प्रकार से क्रम चल रहा है। रथ हो जाएंगे 500 के आसपास। आज बड़े सौभाग्य का दिन है, गणगौर तीज। आज 4 बजे रात से पूजन शुरू हो गया है और भगवती गणगौर का पर्व मनाया जा रहा है। 200 रथ की माता यहाँ पर बोई जाती है बाड़ी में, और ये प्राचीन बाड़ी है हमारे यहाँ की। और भगवती का पूजन आज गणगौर तीज पर्व सभी भक्त पूजन कर रहे हैं और मनाया जा रहा है। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।